जी, स्टेलाइजर यूज़ करने का तरीका पार्ट टू को हम यूज़ करते हैं। ये देखें, ये है और अंदर से ये ऐसा है। अब मैंने क्या करना है, ये शील्ड का है, मैं इसको ऐसे उल्टा करूँगी। 5 फीडर्स आपके आराम से आएंगे, एमेंट के हैं। ये हो गया। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, काइंडली जाके पार्ट 1 देखें। कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से वो खुद ब खुद हो गई। मेरा 1 फीडर कहाँ है, आई थिंक। चले कोई नहीं, 1 फीडर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने शायद कहीं रख दिया संभाल के। सो ये देखें, अब इसके ऊपर ये शीट लगी। अच्छा, आप 6 स्टार लगा सकते हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर बाउल्स भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर चूसनियाँ रख सकते हैं, आप सब कुछ रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। इसके ऊपर ये लगाया फॉर द कैप्स। ये देखें ढक्कन, एवरी थिंग। चूसनियाँ, स्पून करना चाहते हैं स्पून, बिकॉज ये स्टीम होंगे। पहले देसी तरीका होता था कि हम उस तरह करते थे स्टीम, बट अब यूँ हो गया। ये आपका रेडी हो गया। अब आपने मेक श्योर करना है, मेक श्योर क्या करना है कि ये प्रॉपरली बंद हो। ये देखें 4 साइड से ये बंद हो, वरना ये स्टीम निकलती रहेगी और आपके हाथ को जो है ना जल जाएगा, जैसे गर्म पानी से जलता है। आपने देखा इस पे पानी है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ये है, जब पानी बॉयल होता है ना तो आपका एक सॉल्ट की लेयर बनती जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पानी के अंदर सॉल्ट होता है। तो ये वो है। अब इसको साफ़ कर दें, जो आपकी बर्तन मारने वाली कूची होती है ना, उससे इसको साफ़ करें, साथ गीला कपड़ा रखें। ये 1 मिनट में उतर जाता है। मैंने आपको दिखाने की वजह से ये नहीं उतारी, ताकि आप लोग इससे परेशान मत हों, इसको जमने मत दें। हफ्ते में 2 दफ़ा आप धो लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन इस वाले पार्ट को, नीचे वाला ये जो है, यहाँ पे आपने इसको नहीं लगने देनी, पानी नहीं लगने देना, ठीक है। इसको ड्राई कपड़े से साफ़ करना है, क्योंकि अगर नीचे की साइड पर लगी तो वह ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिक मोटर है और वह जल जाएंगी तारें, तो अवॉइड करें। ऊपर वाला सारा पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ना शील्ड के होल्डर्स आते हैं ऐसे पकड़ने के लिए बेबी के, मैं इनको स्टेरलाइज़ नहीं करती, बट आपकी चॉइस है। मुझे नहीं लगता कि इनको स्टेरलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेबी मेरा तो यही ख्याल है, आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है, एज़ यू विश वाली बात है। अब हम ये देखें, पानी डाल दिया, मशीन रेडी है, 2 गो, 1, 2 एंड 3। ये देखें रेड मशीन, रेड बटन ऑन हो गया। अब जिस वक्त ये स्टीम हो जाएंगे सारे के सारे, ये रेड बटन खुद ब खुद, ये रेड लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। बट फिर भी आपने 10 मिनट वेट करके खोलना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होंगे और आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऊपर ना सारी भाप बन जाएगी, तो लेट्स वेट टुगेदर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ब्रेस्ट पंप पे जो इतना मज़ेदार सा किस्म का रिस्पांस दिया है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक होम वाइफ जो होती है ना, होम मेकर, वो इतना अच्छा उसको रिस्पांस मिलेगा। नो, क्योंकि मैं कभी भी बहुत एडिटिंग नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। आई जस्ट मेक वीडियोज़ फॉर माई फ़ोन और पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज पर हर चीज़ नेचुरल हो, वो जो एक्स्ट्राज है ना वो नहीं मुझे चाहिए होती। मैं चाहती हूँ कि बजट में रह के जो आप चीज़ें बता सकते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो ही हो। तो अगर आप ये ख़रीद लें, बेशक आप किसी भी कंपनी के ख़रीदें, मैंने एनेक्स का ख़रीदा तो मैंने एनेक्स का बताया, तो ये मेक श्योर करें इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हुए कि वो लॉन्ग लास्टिंगली चलें, बहुत देर तक चलें, आपके आखिरी बच्चे तक चलें, आपको बार बार बाय मत करना पड़े। वो कहते हैं ना, रोए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में, जहाँ पर एक सूट 6,000 6,500 का हो गया है, या आपके बच्चे के लिए इतना भी महंगा नहीं है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डेफिनेटली मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी जो स्टेरलाइज़ करने का। ये खाली एक ही तरीका नहीं रह गया, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप अपनी वाइफ को या अपने आप को थोड़ा चाहते हैं कि हर मुश्किल से थोड़ी बेहतरी, देखिए मशीन होती है अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, ठीक है, उसका हर एक का जो होता है ना रेसिप्रोक्रेट, जिसको हम कहते हैं कि उसका अल्टरनेटिव मौजूद होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन ये आपको हेल्प देने के लिए
होता है। तो अगर आप हेल्प ले सकते हैं एक्सीलेंट, नहीं है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ओके तो अगर आप देख सकते हो इस पर सारी सारी भाप बन गई है, ठीक है, अभी अपना काम करता रहेगा, सही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, देखें। और इसी तरह ये सारा का सारा बन जाएगा। ओके सो और कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, डू आस्क मी, आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।